नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह आज नवादा पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस दौरान नारोमुरार गांव जाकर जो शहीद चंदन है उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। बाद में वो नवादा सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शहीद के साथ दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए और आलम यह रहा कि सरकार के कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री जो है बलिदानी के घर तक या उनके परिवार के आंसू पोंछने के लिए नहीं पहुंचे, जबकि कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी उन लोगों की। जाना चाहिए था, लोगों को सुनना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा कि सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं है, जबकि जब जम्मू से वो शहीद का पार्थिव शरीर लेकर के जब प्लेन सेना का विशेष विमान आगे बढ़ा तो उत्तराखंड और कानपुर में, उत्तराखंड में तो स्वयं पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वो खुद वहाँ मौजूद थे और कानपुर में योगी सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। लेकिन बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण रहा मामला ये कि कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार के प्रतिनिधि इन शहीद को या उनके परिवार को के आंसू पोंछने के लिए नहीं पहुंचे या श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। इससे इतर उन्होंने एक कुछ राजनीतिक सवाल जब मीडिया कर्मियों द्वारा किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी बिहार में सियासी घटनाक्रम चल रहा है उस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश जी के साथ लालू जी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनका अनुभव बढ़िया नहीं है। हालांकि जब सवाल ये किया गया क्या नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, शटर खुला हुआ है भाजपा का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ही सारे खिड़की और दरवाजे बंद हैं। अब ये तो सियासी बात थी, राजनीति में बोला कुछ जाता है, दिखता कुछ है, कहना कुछ होता है। और एक सवाल जब उनसे ये किया गया कि दादा गिरिराज सिंह को आमतौर पर लोग उन्हें जानने वाले दादा के नाम से पुकारते हैं, तो पूछा गया कि क्या नवादा फिर से आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इस पर उन्होंने सीधे शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, कहा कि ये पार्टी का मसला है, पार्टी जो निर्णय करेगी वो देखा जाएगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से चर्चा है कि नवादा सीट पर से एक बार फिर से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, उनके समर्थक उस रूप में उनको देख भी रहे हैं कि अगला उम्मीदवार वो नवादा में होंगे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान, चलिए पूरा वीडियो क्लिप मेरे पास उपलब्ध है, हम चाहते हैं नवादा लाइव के दर्शक वीडियो देख लें। उससे पहले कि वीडियो आप देखें, हम एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बताइए जो आप शहीद चंदन के परिजनों से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिए, क्या कुछ भरोसा? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस जहाज में चंदन जी का लाश आया, शहीद चंदन का, वो उत्तराखंड भी रुका, वहाँ भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में रुका, वहाँ एक दर्जन मंत्री योगी जी का आए, बिहार में न कोई मंत्री आया न कोई ट्वीट मुख्यमंत्री किए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, शहीद का अपमान हो, यही मैं कहूँगा। ये दुर्भावना शहीद के प्रति नहीं रखनी चाहिए, शहीद देश की सेवा करता है। आगे मतलब बिहार सरकार से क्या, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, क्या मतलब उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? लोगों की जो उम्मीदें हैं थी वो उम्मीदें यही थी कि सरकार के प्रतिनिधि आएंगे तो मैं उनसे अपनी बात कहूँगा, अपनी पीड़ा कहूँगा, एक सड़क का नाम कर दे। लेकिन अब वो लगातार संपर्क कर रहे हैं क्या, अब भाजपा में फिर आ रहे हैं क्या? देखिए नीतीश जी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं, और वो बार बार लालू जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ ताक झांक करते हैं। तो लालू जी डर जाते हैं कि हमारे बेटवा का क्या होगा, तो बेटवा का क्या होगा उसमें वो डर जाते हैं, लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। भाजपा का शटर खुला हुआ है? नहीं नहीं, हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बंद है। 2024 में जाने कुछ बोल दिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में रिपोर्ट आया सरकार बनेगी, खूब बढ़ चढ़ के बनेगी, अब की बार 404। लोगों को उम्मीद है कि दादा फिर नवादा आ रहे हैं क्या? देखिए हम पार्टी के ऊपर है, पार्टी जो चाहती वही होता है। अच्छा जी साहब, तुमको भी बहुत आशीर्वाद,
सबको आशीर्वाद। चलो बेटा क्या बोली दे दिए पुणे वाला 18 जरूर देगा।